शोक तंवर का कहना है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस वापसी करेगी। एक मेरा एक निवेदन है, एक मेरे स्टाफ से भी कहना चाहूँगा, तो मेरे सोशल मीडिया देखते हैं, वो पोलिंग कितने तारीख की थी जे एन पी? पोलिंग थी 26 की। इंटरव्यू पोलिंग तंवर जी का इंटरव्यू था, आधा घंटा रह गया, गीत सुने तो आधा घंटा रह गया रे है ये था, वो सारे लागे बाजन में इस तरह से गीत था ना, अशोक तंवर गा रहे थे। और ये कहा उन्होंने कि हमारा उम्मीदवार रणदीप सिंह सुरजेवाला 30,000 वोट के मार्जिन से जीतेगा। वोट कितनी आई? 21,000 वोट आई, जितने मार्जिन से जीतने की बात कर रहा था उससे तो कम आया, 600 वोट से जमानत जबी। अब उस आदमी की किस बात पर विश्वास करोगे? अब वो 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतने की बात करता है। मुझे तो लगता है इनको कहीं ठीक ठाक जगह पे आप लोगों को भी थोड़ा सा विश्लेषण करना चाहिए। सब ठीक ठाक तो है ना, खैर सुख तो है ना, अपने पूछते ना सब खैर सुख तो है ना, बार पूछ लेना चाहिए अशोक तंवर जी हैं, आप ऐसी बातें करते हो, बीजेपी के अध्यक्ष ने पूछ लिया भी क्या सब ठीक ठाक तो है, आना ही बंद कर दिया जी मैंने तो यहाँ, अलग बात है लेकिन आए तो जरूर पूछना, खैर सुख की पूछनी, हम तो इतना ही कह रहे हैं। ऐसे भूपेंद्र खालसों के टिकट कटने की भी कोई संभावना है सर? देखिए इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता अभी, क्योंकि हर सीट के ऊपर हमारा जो इलेक्शन की हमारी समिति है, चुनाव समिति है, बैठक के विचार करेगी और फिर पैनल केंद्रीय हमारे नेतृत्व को सौंपेंगे और उसमें से किसका टिकट फाइनल होगा तो ये तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व है, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी, वो और उनका जो संसदीय बोर्ड है वही बता पाएंगे। चर्चाएं चल रही थी कि सीएम साहब ने अरुण जेटली जी से रिक्वेस्ट किया कि वो करनाल से लोकसभा चुनाव लड़ें। देखिए इस प्रकार की बहुत ही गलत अगर कोई बात ये हो सकती है तो ये किसी ने फैलाई है, कोई ऐसी बात मुख्यमंत्री जी की तरफ से अरुण जेटली ने किसी के लिए भी नहीं, अरुण जेटली जी हमारे वो सम्मानित नेता हैं, वो जहाँ से चाहे वो चुनाव लड़ सकते हैं, जहाँ से चाहे देश में कार्यकर्ता उनका सम्मान करते हैं, लेकिन ये बात फैलाना कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने जाकर के कोई ऐसी बात की नहीं, करनी होगी तो हम खुले रूप में करेंगे और खुले रूप में उनको कहेंगे, बड़े नेता हैं, अगर ऐसे नेता कहीं चुनाव लड़ते हैं तो प्रदेश का लाभ ही होता है, लेकिन ऐसी कहीं कोई बात नहीं है, इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है, कहीं कोई तथ्य नहीं है, गलत खबर किसी ने गलत मानसिकता के साथ ये फैलाई है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान आया है जी, भाजपा 10 की 10 लोकसभा 10 की 10 सीट जीतने का दावा करती है लेकिन हकीकत कुछ और ही है जी, ऐसा कुछ बयान। तो हकीकत पहले भी सामने है, पहले भी वो कहते थे निगम चुनाव में भी कहते थे, निगम चुनाव में तो हुड्डा साहब और पूरी सारी पार्टियां मिल गई थी, रोहतक में मिली, करनाल में मिली, हिसार में मिली, सब जगह भी मिली, लेकिन मात खाई, सब जगह मिले वो लोग आप सबके सामने है, लेकिन चुनाव परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया। जींद में भी ऐसी बात करते थे, हुड्डा साहब भी ऐसी बात कर रहे, तंवर साहब भी कहते थे 30,000 के मार्जिन से जीतेंगे, वोट आती है 21,000, तो जनता जिसके साथ है, जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है, इसलिए हम 10 की 10 सीटें जनता के आशीर्वाद पर ही अंदर ठोक करके कहते हैं कि हम 10 की 10 जीतेंगे। खबरें इस तरह की आ रही है कि रोहतक से किसी सेलिब्रेटरी को उतारने की तैयारी है कोई? देखिए अभी कोई तैयारी इस प्रकार की नहीं है, जो भी होगा बिल्कुल आप सब लोगों के सामने होगा, जिस दिन पैनल बनेगा आप सब लोगों को बता देंगे कि कौन कौन लोग चुनाव लड़ने की दौड़ में हमारे आए। तो पैनल की घोषणा कब तक होगी? पैनल कब तक होने के लिए? जब एक बार चुनाव समिति बैठी होगी आपको जल्दी बता दें। चुनाव आयोग से बात करनी पड़ेगी कि हमारे अध्यक्ष जी ना गोलमोल बातें ले जाते हैं आपके चक्कर में। बिल्कुल हम लोग हमेशा कहते थे अगर हमारे पहले फेज में हो जाती।